अपन तो गवैया का बाधा भैया ने व्याव कर नीचे क्या कैमरा है आप साथ और दवाई के पैसा तो आ गई है बैग सरकार को मौसम का पूर्वानुमान नहीं था क्या? मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जो तंत्र लगा होता है जयपुर में है वो मशीन खराब पड़ी है, इसकी तो जांच मुख्यमंत्री कराए, क्योंकि दिल्ली से बताया गया कि अगले 2-5 दिन में दोबारा इस प्रकार का तूफान आ सकता है, तो लोगों को चेतावनी सही समय में मिल सके उसके लिए खरबों रुपये खर्च कर यंत्र लगाया था जयपुर में, तो वो खाली पड़ा है तो उसका क्या फ़ायदा है। और हम तो ये मांग करते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है, एक नौजवान लड़की की मौत हुई जो पुलिस की भर्ती 2 दिन बाद मिलने वाला था, हर परिजन को कम से कम एक सरकारी नौकरी सरकार को देनी चाहिए। और भरतपुर, धौलपुर, अलवर, बाकी जिलों में जो नुकसान हुआ है उससे हम सबका बहुत मन दहलता है, और जितनी मौतें हुई हैं उन सभी के परिवारों को हम सांत्वना देना चाहते हैं। शिकार हुए हैं इस बिहाना गांधी के, उनके परिजनों को और अधिक मदद मिलती और उनको नौकरी का कहीं ना कहीं आश्वासन सरकार को देना चाहिए। बिजली अभी तक गांव में पहुंची नहीं है और जो राहत कार्य है उसको और गति देनी पड़ेगी। और जैसा किशन सिंह जी कह रहे हैं कि जिले के बाहर के यहाँ पर अधिकारी, अफसर और लोग तैनात करेंगे तो जल्दी यहाँ पर लोगों को राहत मिल सकती है। पानी बिजली की व्यवस्था तुरंत बिठानी पड़ेगी। चाहते हैं कि इसमें सिर्फ घोषणाएं ना हो, कागजी कार्रवाई ना हो, धरातल पर काम हो। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक बिजली चालू नहीं हुई है, किल्लत है हर चीज़ की। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आईं और आकर चली गईं, लेकिन ज़मीन पर उनका जो प्रशासन है वो पुख्ता रूप से काम नहीं कर पा रहा है, इस बात का